तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने आपको सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, कैर, कोर, ट्रिम, क्लीन इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शुरुआत करते हैं कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले से, फिर हम कुछ और ट्रिकी फॉर्मूले पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केस चेंज करने का। जैसे कि अगर आपने स्मॉल में लिखा हुआ है जिसको कैप्स में लिखना है, तो उसके लिए अपर के अपर नाम का फॉर्मूला होता है जो कि अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अपर को वापस लोअर में करना है तो लोअर केस का फॉर्मूला होता है कि लोअर में कन्वर्ट कर देता है। एक हमारे पास प्रॉपर का फॉर्मूला होता है जो कि प्रॉपर में कन्वर्ट करता है। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं केस चेंज करने के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास एक डॉलर का फॉर्मूला होता है। जैसे आपने कोई नंबर रखा, तो आप इसमें अगर डॉलर फॉर्मूला लगाते हैं तो एक करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हुआ होगा कि इसमें आप किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। ज्यादातर हम लोग जब बिल वगैरह इनवाइस वगैरह बनाते थे उसमें इसका इस्तेमाल करते थे। कभी कभी क्या होता था, गलती से नंबर पे अगर कोई डल गया, जैसे टाइम का फॉर्मेट अप्लाई हो गया तो टाइम दिख जाता है नंबर या डेट दिख जाता है। तो हम लोग जब करते थे बिल इनवाइस वगैरह करते थे तो हम डॉलर का फॉर्मूला लगाते थे, तो डॉलर के साइन के साथ होता था। लेकिन इंडिया में तो डॉलर का साइन चाहिए नहीं होता था, इसलिए यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड का फॉर्मूला लगाते थे। फिक्स्ड, तो फिक्स्ड का फॉर्मूला क्या करता था कि विदाउट डॉलर साइन दिए हुए इसको फिक्स कर देता था। इस पे किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लीकेबल नहीं होता था। तो डॉलर और फिक्स समझ में आया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूले की। जैसे कि मान लीजिए कि एक राम है और यहाँ पे राम है। अब दोनों अगर नॉर्मल इफ फॉर्मूला लगाते हो या एंड और लगाते हो तो नॉर्मल फॉर्म एक्सेल के लिए दोनों सेम है। एक्सेल की जो कंडीशंस है, चाहे लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करे या कोई भी चीज इस्तेमाल करे, वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आप जो है, हम यहाँ पे एग्जैक्ट नाम का फॉर्मूला लगाएंगे तो एग्जैक्ट मैच करेगा कि दोनों अगर एक हुआ तब ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। इसका यूज हमने किया था एक कंपनी में, मैं 2009 या 10 में आईटी हेल्प डेस्क में था, आईटी कोऑर्डिनेटर था। तो क्या होता था कि टिकट जनरेट होता था कंपनी का, 15-16 से स्टाफ थे, कॉल सेंटर था। तो हमेशा जो आईटी का टिकट जनरेट होता था फिर हम अपने इंजीनियर को भेजते थे डेस्क पे, जाओ वहां पे प्रॉब्लम है कंप्यूटर का। तो हमारे पास जो मोस्टली आते थे वो आते थे आईडी लॉक का, कि मेरा आईडी लॉक हो गया है उसको वापस रीलॉक किया जाए। तो एक दिन ऐसे में बैठा था और मैंने पूरा डेटाबेस निकाला एंटर्ड पासवर्ड का और उसका पासवर्ड का। मैं आईटी में था तो मेरे पास सबसे उसका एक्सेस था। तो मैंने देखा कि तकरीबन 60-80% ऐसे आईडी पासवर्ड थे जो कि पासवर्ड करेक्ट था, बस केस अलग अलग था। जैसे कि कैपिटल लेटर में था एक, कोई एक लेटर किसी ने किया नहीं था, और तीन बार चौथे बार डालते ही वो आईडी लॉक हो जाती थी, सिस्टम का सेटिंग। तो फिर हमने यही रिपोर्ट बना के और हमने अपने एचओडी को भेजा कि जो आईडी तीन बार गलत डालते ही रॉन्ग हो जाता है उसको क्या करें कि केस सेंसिटिव के कारण अगर लॉक ना हो, अटेम्प्ट ज्यादा दे दे, लॉक ना करें। जब पासवर्ड गलत हो तो उसमें लॉक करें। उससे क्या हुआ, 60-70% में हम लोगों का काम कम हो गया। तो वो चीज हम एग्जैक्ट फॉर्मूला से भी निकाले थे उस समय, इसलिए याद है मुझे कि हम फाइंड करना था कि भाई अपर केस लोअर केस में, इसलिए हमने चेक किया क्योंकि नॉर्मल बराबर हो रहा था, फिर एग्जैक्ट से देखा बराबर नहीं था, मतलब कि केस सेंसिटिव था। उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं कॉनकटाने, मतलब कि अगर आप दो सेल को आपस में जोड़ना चाहते, ज्वाइन करना चाहते,
दो तरीके हैं, एक तो है कॉनकेटानेट का फॉर्मूला कि हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं कॉमा दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, बीच में अगर सेपरेटर चाहिए तो सेपरेटर दे दीजिए और फिर दूसरे कॉल को सिलेक्ट किया सुजीत कुमार। तो कॉनकेटानेट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इस्तेमाल करते हैं एंड परसेंट का साइन कि एंड और यहां पे स्पेस और वापस यहां पे हम एंड परसेंट का साइन देते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। तो आपके एंड परसेंट एक्सेल में भी अप्लीकेबल है और हमारा वीबीए प्रोग्रामिंग में भी अप्लीकेबल है, दोनों में अप्लीकेबल है। ठीक है सर। लेकिन एक चीज ठीक तो है, लेकिन एक चीज और आप यहां पे ध्यान रखिए कि अगर आपके पास डेट है और मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है सेपरेटर या टू लगा के, दिखा रहे सर आपने, नंबर आता है। तो मतलब कि अगर आपका नंबर फॉर्मेट अप्लाई है, याद होगा आपको जब मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ाया था तो कैसे करें, तो उसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएं, टेक्स्ट फॉर्मूला में इसको आप यहीं पे डीडी एमएमएम एन वाई कर दें। और फिर इसको कंबाइन कर, तो मैंने अलग अलग लगाया, आप इसी इसी एक ही फॉर्मूला के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल है कि कस्टम फॉर्मेटिंग का कोई भी चीज को यहां पे दे सकते हैं। अब चलिए हमने ज्वाइन करना सीखा तो हम सेपरेट करना भी सीखते हैं, और इस पे आपको हम एक होमवर्क भी देंगे सीआर। तो मुझे अगर तीनों को अलग अलग सेपरेट करना है तो हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला है जो कि लेफ्ट से नंबर ऑफ डिजिट को अलग कर देता है, राइट का फॉर्मूला है जो कि राइट से नंबर ऑफ डिजिट अलग करता है, और हमारे पास फॉर्मूला है मिड का जो कि इसे बताता है कि हाँ स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट है, तो 1 2 3 डॉट मतलब कि चौथे पांचवें से स्टार्ट है, और कितना लेटर चाहिए तो 3 लेटर चाहिए। सर जी एक बार रिपीट करना इसको प्लीज बताता हूँ एक आपको, दोबारा से। एक हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला दिखा आपको कि आप इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट बोलेंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट से अलग कर देगा, एक राइट राइट का फॉर्मूला है कि राइट में जितने नंबर ऑफ डिजिट जाएंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट से अलग कर देगा, एक मिड का फॉर्मूला है, इसमें आपको यहाँ टेक्स्ट दीजिए और बताइए कि हमारा मिड स्टार्ट कहाँ से, जैसे कि हमें 9 से अलग करने हैं तो 1 2 3 3 1 डॉट 4 और 9 5वां लेटर है इसलिए हमने यहाँ पे 5 दिया, और 5वें लेटर से कितना लेटर चाहिए तो 3 चाहिए, 9 6 3 3 चाहिए, इसलिए 3 को अलग कर दिया। ठीक है सर, हेलो, ये मिड में क्या डाला है एक बार बताने। मिड में क्या अपने लोकेशन दी गई मिड की। हाँ मिड की लोकेशन 5 करेक्टर हुआ, कहां से मिड आपका स्टार्ट करना है हाँ और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना चाहिए वो डालना हम दिया है। ओके ओके ठीक है, ठीक है सर, जी। अब इसमें अगला लेटर आता है कि अगर सेपरेशन करना है, जैसे मेरे पास मेरा ईमेल आईडी है कि कुमार एट द रेट
iptindia.com, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से आईडी को अलग किया जाए और साइट को अलग किया जाए। तो आप सिंपल से यहां लिखोगे यहां पे इक्वल लेफ्ट, और इसको सिलेक्ट कर लिया और बोला फाइल को अलग कर, और राइट इसी राइट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक हो, कल के डेट में मेरा ईमेल आईडी सुजीत कुमार डॉट आईपीटी इंडिया हो सकता है, तो मेरी लेंथ जो है अपने हिसाब से घट बढ़ती रहती है, तो मुझे डायनेमिक करना है कि किसी भी लेंथ पे हमारा वर्क करे। इसके अंदर जो सेपरेटर है वो एट द रेट से सेपरेट करे, एट द रेट से पहले हमारा आईडी है, एट द रेट के बाद हमारा वेबसाइट है, ठीक है सर। तो यहां पे हमारे पास एक फाइंड का फॉर्मूला है, फाइंड, और फाइंड में हमने यहां पे दिया एट द रेट, और इसको हमने डाला एन कॉमा वन। फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, ये किसी सेल के अंदर में किसी करेक्टर को, किसी लेटर को ढूंढता है, ठीक है, किसी भी सेल वैल्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, किसी पर्टिकुलर लेटर को फाइंड करता है और फिर उसका पोजीशन बताता है कि हमारा सिक्स नंबर पोजीशन पे। तो फाइंड समझ में आया सर? तो फाइंड के आर्गुमेंट समझे क्या क्या है, पहला है टैक्स, किसको ढूंढना है, किसके अंदर ढूंढना है और किससे स्टार्ट करके ढूंढना है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि हमारा एड्रेस का लोकेशन आ गया सिक्स, लेकिन मुझे यहां पे ऑटोमेट करना है, तो मैंने बोला सिक्स माइनस वन, तो आपके सामने आ गया, ऑटोमेट हो गया। फिर ऐसे ही मैं राइट के लिए आया, राइट का फॉर्म लगाया और इसको सिलेक्ट किया, और मैंने बोला कि इसका जितना भी लेंथ है इस लेंथ में से माइनस सिक्स को करे और उतना लेटर वो राइट से हमें स्ट्रेक कर। अब मैं यहां पे कोई भी वेबसाइट कोई भी आईडी लिखूंगा, जैसे कि मैं लिख दिया इन्फो एट द रेट आईपीटी इंडिया डॉट कॉम, ऐसे मैं लिख दिया, यहां पे लिख दूं मैं कि आईपीटी दिल्ली 123 एट द रेट gmail.com, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है सर। जी जी अब इसी के छोटे छोटे फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं, और क्या क्या छूट गया है मैं टेक्स्ट फॉर्मूले में। मैं टेक्स्ट क्लियर कोड कंटेन कर लिया, डॉलर कर लिया, एग्जैक्ट कर लिया, फाइंड हो गया, फिक्स, लेफ्ट, लोअर, मिड, वैल्यू, हमने नंबर को टेक्स्ट में डाल दिया। अब मुझे इस कोड कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू का फॉर्मूला लगा, यहां पे वैल्यू फॉर्मूला क्या किया, इसने कन्वर्ट कर दिया वैल्यू में। ऐसे ही सेम नंबर क्या बोल रहे हैं, सॉरी सर, अगर ये इसी में अगर टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, मान लीजिए ऊपर 12355A लिखा हो, तो भी इसको कन्वर्ट करेगा? नहीं, तब वो ऊपर वाले में और ए नीचे वाला भी एरर देगा। वैल्यू एंड नंबर वैल्यू बोथ आर द एक ही फॉर्मूला है,
नंबर वैल्यू डेट पे वर्क नहीं करता है, वैल्यू आपका डेट पे भी वर्क करता है। प्रॉपर हो गया, रिप्लेस हो गया, रैप्ड, रैप पढ़ाता हूं रैप्ड क्या है, और रैप पे आपको एग्जांपल भी सेट करने हैं। देखिए जैसे कि हमने एक लिखा, मान लीजिए एक कैरेक्टर ए है हमारा, और मैं रैप का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, तो और मैं बोलता हूँ कि 5 टाइम, तो इस ए को 5 टाइम रिपीट करेगा। रैप का फॉर्मूला का काम होता है रिपीट करना, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप डालेंगे उतने उस कैरेक्टर को, उस वर्ड को, उस लेटर को उतना बार रिपीट कर देगा, दैट कॉल रैप फॉर्मूला। उसके बाद राइट बताया आपको, सर्च, आपको जो मैंने फाइंड बताया था, फाइंड फॉर्मूला, जो भी हमने अभी किसी लेटर को फाइंड किया, तो फाइंड और सर्च एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरह से लगता है और एक ही रिजल्ट देता है। दोनों डिफरेंस क्या है कि फाइंड इज द केस सेंसिटिव, यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड इज ए केस सेंसिटिव, और सर्च पे, सर्च जाए पे जाएंगे तो सर्च है नॉट केस सेंसिटिव, दोनों एक ही है। ठीक है, अब इसमें इसमें टी का फॉर्मूला है, हम टी का फॉर्मूला बताते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास एक ही सेल में कुछ नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है एंड नंबर फॉर्मेट में भी है, तो अगर आप यहाँ पे इक्वल करते हैं टी का फॉर्मूला, तो टेक्स्ट को शो नहीं करेगा, नंबर को शो नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा। राइट सर, और इस तरह से हमारे पास n का फॉर्मूला है जो कि सिर्फ नंबर को शो करता है, टेक्स्ट को जीरो कर देता है। ठीक है, तो टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले को मैंने फिनिश कर लिया, सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए। आप सारे फॉर्मूलों को एक बार अपने तरफ से एनालाइज कर लीजिएगा, जिस फॉर्मूले को दोबारा और दूसरे तरीके से पढ़ना मुझे बताइएगा। साथ में दो होमवर्क करने हैं, पहला कि रैप फॉर्मूला मैंने आपको बताया लेकिन इसका कोई ऑफिशियल यूज आपको नहीं बताया, आपको फाइंड करने, रिसर्च करने कि आप ऑफिस में इसको कैसे यूज करोगे। दूसरा, मैंने आपको डायनेमिक सेपरेशंस के बारे में बताया कि डायनेमिक सेपरेशन क्या होता है। मुझे आप ढूंढ के दीजिए कि मैं अपना नाम लिखा के सुजीत कुमार सिंह, मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग कर, ठीक है सर। तो ये दो रिसर्च करके आप दीजिए मुझे, आपका ही रहा, बैठ जाइए आराम से रिसर्च कीजिए और कल क्लास से पहले तक मुझे भेज दीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं है डाउट क्वेश्चन, कोई बात नहीं सर, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास का टॉपिक हमारा होगा डेट एंड टाइम कैलकुलेशन। सर इसके अंदर, सुजीत जी, हाँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो बताया था कल, इस पे लंबी चौड़ी क्लास दी थी मैंने, रिप्लेस करता है किसी भी कैरेक्टर को। ओके, हमने डॉट को डैश, डैश को डॉट नहीं बनाया था कल, कल वाला वीडियो। एक काम कीजिए ना, कल की वीडियोस आज की वीडियोस को एक बार देख ले फिर एनालाइज कर। बोलिए, अब मैं एक क्वेश्चन था मेरा, आप इंडेक्स भी करवाएंगे क्या इसके अंदर? नहीं, इंडेक्स आपका इसमें है ना, लॉजिकल इसमें लुकअप रेफरेंसेस में है, दो क्लास बाद है। अच्छा चलो, दो क्लास, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर।